ये देखिए हमारी गाड़ी है क्रूज़, क्या कहते हैं, और इसमें मैंने आफ्टर मार्केट टेल लाइट लगवाई थी BMW स्टाइल में, जो शुरू की लगी हुई है मेरी, और अलॉय व्हील लगवाए थे 18 इंची। आप देख सकते हैं गाड़ी की लुक कंडीशन, देख सकते हैं आप। आज मैंने सोचा आपको बता दूं कि घर पे अपनी बैटरी कैसे चार्ज करें। इसकी बैटरी इतनी भी जाननी है कि मतलब इग्निशन में भी लाइट आ जाए, मीटर में भी कुछ लाइट आ जाए, बिल्कुल डेड हो गई, जंपिंग से भी स्टार्ट नहीं हो रही, क्योंकि इसका 2000 CC का इंजन है, इसलिए ये जंपिंग से भी स्टार्ट नहीं हो रही। आपको दिखा देता हूँ एक बारी, कुछ भी मीटर में लाइट वाइट कुछ नहीं आ रही है। ये देखिए कुछ भी मीटर में लाइट वाइट नहीं आ रही है, बिल्कुल डेड हो गई है बैटरी, बिल्कुल डेड हो गई, जीरो से जीरो हो गई है बैटरी। और अब ये जंपिंग से भी स्टार्ट नहीं होगी, सिर्फ ये या तो क्या कहते हैं टेम्पू ट्रैवल से स्टार्ट होगी, या मतलब स्कॉर्पियो जैसी मतलब बड़ी गाड़ियों से स्टार्ट होगी, क्योंकि इसमें 2000 CC का इंजन है और इसमें बैटरी भी वही लगती है जो क्या कहते हैं अपनी ये टाटा 407 में आती है, बहुत हाई पावर की बैटरी लगती है इस गाड़ी में। और मैंने इसको जंपिंग से भी स्टार्ट करके देखी थी जब भी स्टार्ट नहीं हुई थी। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये अपनी बैटरी घर पे ही कैसे चार्ज करें। पहले बोनट खोल लेते हैं इसका, ये लगाइए बोनट रोड, खोलो पहले इसका एक टर्मिनल उतारेंगे। खोल, क्लोज कर दो, निकल जाएगा। कर तो रहा हूँ मैं, ये निकल गया है और एक इस साइड का निकलना बाकी है अभी, लूज कर। बस छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, एक सेकंड रुक पकड़ी। ये एम्पलीफायर की तार है, ये पूरा निकाल खोलने की जरूरत नहीं होती क्रूज जैसी गाड़ी में, ये सब कुछ खोलने की जरूरत नहीं है। आप ये पेज लूज करके ये पूरा कवर बाहर आ जाता है, कोई कोई ये पूरा खोल देता है। बैटरी इसकी बहुत भारी होती है, निकाल, दोनों से उठेगी, बहुत वजन है बैटरी में। भारी होती है, ये राजा जी निकाल रहे हैं बैटरी, ये हाथ से उठा लेते हैं बैटरी, ये देखो चल उठा बाहर रख, ये इसी में रख। इसमें 55 वाट की बैटरी लगती, 55 वाट की बैटरी लगती है जो टाटा 407 में लगती है, वही बैटरी लगती है इसके अंदर। नहीं दोनों साइड से पकड़, टूट जाएगा, नीचे रख दे। हेलो गाइस, दिस इज ओमकार एक्सेसरी, शालीमार बाग न्यू दिल्ली में हमारी शॉप है। प्लीज़ गाइस, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू। बैटरी निकल चुकी है और क्या कहते हैं गाड़ी कितनी मेंटेन है मेरी, आप देख सकते हैं बिल्कुल आज तक इसका मतलब कुछ भी नहीं,
स्पेयर पार्ट तक कोई चेंज नहीं हो रखा, बिल्कुल ब्रांड न्यू कार है मेरी ये, क्योंकि मेरे पास काफ़ी गाड़ियाँ हैं, चलती नहीं है। मैं आपको सुना नहीं रहा कि मेरे पास काफ़ी गाड़ियाँ हैं, एक ये खड़ी है, एक ये पीले वाली भी अपनी है, देखो ये जो गाड़ी होती है ये भी 9 वोल्ट की होती है और हमारी इससे भी बैटरी चार्ज हो जाती है। ये हमारा इसका बैटरी चार्जर है, ये भी 9 वोल्ट का है और इससे भी हमारी बैटरी चार्ज हो सकती है गाड़ी वाली। ये जो छोटी कार होती है इसमें भी 9 वोल्ट की बैटरी होती है, हमारी गाड़ी की 12 वोल्ट की होती है, मतलब इतना सेल्फ लग जाएगा कि आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी धक्के से इस वाले चार्जर से। ये 9 वोल्ट का चार्जर होता है और एक एल्विनेटर आता है जिससे हमारा क्या कहते हैं जो घर में, ये देखिए इसमें बिल्कुल भी स्पार्क नहीं है, बिल्कुल भी करंट नहीं है, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी करंट नहीं आ रहा, बिल्कुल डेड हो गई बैटरी, ये बिल्कुल डेड है बैटरी। 12 ये एक अपने पास 12 वोल्ट का एल्विनेटर है जिससे क्या कहते हैं ये 400-500 रुपये का आता है, ये मैंने रखा हुआ है क्योंकि कई बार बैटरी डाउन हो जाती है इससे चार्ज हो जाती है बैटरी, और ये 400-500 रुपये का आता है ये, मतलब जिस पर 3-4 गाड़ियाँ हैं वो एक लेके रखें हर कोई, क्योंकि एक बारी बैटरी चार्ज कराने में 200 रुपये खर्चा आ जाता है कम से कम, और इससे आप अपनी गाड़ी की खुद बैटरी चार्ज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आपको बता दूंगा कैसे लगाना है, क्या है क्या नहीं है, ये बहुत पुराना है, कम से कम ये 10-12 साल पुराना होगा। इसमें आपको करंट दिखा दूंगा दोनों में, ये देखो और ये मैंने निशानी बना रखी है, प्लस की तार है ये और ये मेरी माइनस की तार है, हमने ऐसे लगानी है कुछ, मैंने प्लस की तार लगा दी है और अब आपको देख जाएगा करंट स्पार्क आ रहा है, इधर नहीं आ रहा, हल्का सा आ रहा है। इधर भी लगा दिए, दोनों लगा दिए, अब कल इसका रिपोर्ट देखेंगे, रात भर चार्ज होगी ये, रात भर चार्ज होने देंगे इसको, इतना करंट आ जाएगा कि गाड़ी सेल्फ लेने लगेगी और क्या कहते हैं टोचन से स्टार्ट हो जाएगी हमारी बैटरी, टोचन से स्टार्ट हो जाएगी और घर की बिजली से चल रही है, देखो आप और जिसके घर में एल्विनेट इन्वर्टर है वो इन्वर्टर से भी 2 तारे निकाल के प्लस माइनस की बैटरी पे लगा सकते हैं, उससे भी चार्ज हो जाएगी, इन्वर्टर वालों के लिए बहुत बढ़िया है। ये देखो इसका लगाने का सबसे आसान तरीका होता है, ये ऐसे तो ये अटकेगा नहीं और तार छोटी है, इसको सिर्फ ठोकना है आपको ऐसे, ये हमारा टच हो गया बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, ये देखो बिल्कुल फिट हो गया, ये भी फिट था, फिर दोबारा दिखा देता हूँ, ये प्रॉपर फिट हो गया। अब ये सुबह तक इसका रिजल्ट पता लग जाएगा, वैसे 24 घंटे चाहिए होते हैं चार्ज होने में, लेकिन सुबह तक पता लग जाएगा कितना चार्ज हुआ है, मतलब बैटरी में करंट आना चालू हो जाएगा।